हेलो दोस्तों, आप सभी को आज एक और नए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक में 30 महीनों की आरडी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ब्याज के रूप में 14,271 रुपया मिलेगा। पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आईसीआईसीआई बैंक वर्तमान समय में सामान्य कस्टमर को 30 महीनों की आरडी पर 7% ब्याज दर ऑफर कर रहा है। वहीं अगर सीनियर सिटीजन 30 महीनों की आरडी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं तो उनको 7.50% का ब्याज दर दे रहा है। गणना के अनुसार यदि एक सामान्य ग्राहक 30 महीनों की आरडी स्कीम पे 5,000 रुपया प्रति माह जमा करते हैं तो आपको कुल रिटर्न 1,64,271 रुपया मिलेगा। 1,64,271 रुपये में कुल रिटर्न में आपका इन्वेस्टमेंट राशि 1,50,000 रुपया है, जिसमें आपको ब्याज 14,271 रुपया मिलेगा। यदि कोई सीनियर सिटीजन 30 महीनों की आरडी योजना में प्रति माह 5,000 रुपया आईसीआईसीआई बैंक में आरडी करवाता है तो गणना के अनुसार 1,65,347 रुपये रिटर्न के रूप में आपको मिलेगा। 1,65,347 रुपये में कुल रिटर्न में 1,50,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट राशि होगा और ब्याज के रूप में 18,347 रुपया मिलेगा। आज के इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हुआ हो तो आप आईसीआईसीआई बैंक में 5,000 रुपये मंथली आरडी स्कीम खुलवा सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा रिटर्न अर्निंग हो सकता है। उम्मीद है आज के वीडियो से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों को शेयर जरूर करें, जिन्हें अन्य लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके और इन्वेस्टमेंट की ओर एक कदम आगे बढ़ सके।